दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से डिप्लोमा और BBTech वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहां पर आपकी जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर वैकेंसी है, फ्रेशर्स एलिजिबल रहेंगे, आपकी परमानेंट जॉब रहेगी, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फॉर्म में आपको जॉब्स अपडेट मिलते रहें। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा उत्तर प्रदेश की तरफ से निकाला गया है। यहाँ पर डिप्लोमा और BBTech वालों के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर लगभग सभी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। क्वालिफ़िकेशन में आपको बताया है, अगर आपने फर्स्ट क्लास में 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने फर्स्ट क्लास में BBTech किया है सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप फ्रेशर हैं, आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, तो इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहां पर आपकी 30 साल रखी गई है। इसके साथ ही एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात करें आपके पे लेवल के बारे में, तो सैलरी यहाँ पर आपको एज पर 7th CPC के अनुसार लेवल 6 की मिलने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी भी यहाँ पर आपकी रहने वाली है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। क्वालिफ़िकेशन में आपको बताया है, अगर आपने फर्स्ट क्लास में 3 साल का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। आगे आपको बताया है, अगर आपने फर्स्ट क्लास में BBTech किया है इन्हीं ब्रांचों में, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। सैलरी यहां पर भी आपको लेवल 6 की मिल जाएगी। बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर आपका CBT एग्ज़ाम के आधार पर होने वाला है। टोटल यहां पर आप लोगों से 95 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 नंबर यहां पर आपको आपके वर्क एक्सपीरियंस के मिलने वाले हैं। परीक्षा केंद्र यहां पर आपके दिल्ली NCR और नोएडा रहने वाले हैं। इसके लिए आपको टोटल 90 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे किस पार्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। अगर आप UR, OBC या फिर EWS कैटेगरी में आते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपको 300 रुपये देनी है। SC ST PWBD और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। अब बात कर लेते हैं आपकी इंपॉर्टेंट डेटों के बारे में। तो फॉर्म ऑनलाइन होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 11 दिसंबर रहने वाली है। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे BBTech या फिर डिप्लोमा किया है इन ब्रांचों में, आप इन पोस्टों के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।